इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच में कोरोना जांच टेस्ट में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में मचा हड़कंप। डीएम ने आनंद फानन में बुलाई आपातकालीन बैठक। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में है आइसोलेट। एक शेल्टर होम और एक घर में किया गया था आइसोलेट। सभी 8 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। प्रशासन के द्वारा सभी चौराहे पर शहर में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन पर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट आई है। 8 का निगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तभी अभी हम लोग जो है इसी पर अभी बैठक कर रहे थे और उसको जांच करके वो अगले जो कार्यक्रम है उसको बनाया गया है और जैसा भी होगा ये भी साहब से संपर्क किया गया है। और सिम्टम बैठक हुई है हमारे सीडीओ साहब थे, सीमो साहब थे, सीआरओ साहब थे और डिप्टी सीमो थे, एडिशनल सीमो थे। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल मैनेजर, हम सभी मिलकर के यहाँ पे जो है सब डिसाइड किए हैं। आगे डीएम साहब का सभी सीमो साहब सिम्टम्स क्या थे, सिम्टम्स क्या थे इन लोगों में जिनमें सिम्टम में कोई नहीं था। एक्सीडेंटली इन लोगों को जो है रह गया था जिन पर संदिग्ध समझ करके और लाकर के इनको जो है जांच करेगी। यानी ये जो 8 पॉजिटिव निकले हैं ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे इनमें, उनमें निकला है? हाँ, कोरोना सिम्टम नहीं थे और इनको जो है मतलब सिर्फ उसमें संदिग्ध उसमें इनको कराया गया था और स्पॉटेड जो है जगह जगह से जो है जिन पर सब पूरा दिल्ली से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जाँच कराई जा रही है। उन्हीं में से निकले हैं, उनको ला करके हमारे यहाँ जो भर्ती कराया है उन्होंने क्वारंटाइन वार्ड में जिसमें 6 पेशेंट अभी हमारे हैं। ये जाके और जानना चाहेंगे इन लोगों के संपर्क में काफी लोग आए होंगे, अभी तमाम अफसरों ने इनको जांचा होगा या फिर चीफ स्टाफ ने जांचा होगा? अभी तो ये तो बात की बात है, उन्होंने इसके लिए आएगी कहाँ कहाँ रहने वाले क्या है वहाँ पे हमारा। अभी तक तो कोरोना के लिए हम लोग सिम्टम्स सुन रहे थे लेकिन आज बहराइच में 8 केस निकले हैं, 8 में सिम्टम्स नहीं मिले हैं, ये कितना खतरनाक है? ये सिम्टोमेटिक केस बहुत सारे मिल रहे हैं जिसमें मतलब कोरोना पॉजिटिव है लेकिन ये सिम्टोमेटिक है, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है कि कुछ छुपने ना पाए और सभी की लगभग जाँच हो जाए और जो भी पॉजिटिव केस है उनको आइसोलेट करके उनका जो क्वारंटाइन पूरा करके रखा जाए उनको और उनका अगर सिम्टम आता है तो उसको इलाज किया जाए। ये कहाँ से रिपोर्ट आई है, ये जांच कहाँ से होकर के आई है? रामनो लोहिया से। अच्छा, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई है वो केजीओवी से आती थी और ये रिपोर्ट जो आई है में भी खुल गया है तो वहाँ नहीं, तो पहली बार ये जो रिपोर्ट आई है राम मनोहर लोहिया से आई है तो पॉजिटिव आई है और अब तक जो भी केजीओवी से आती थी तो क्या जो पहले जांच कराई गई है वो क्या उसमें भी फिर से जांच होगी इन लोगों की? ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज सुविधा वहाँ है वही सुविधा यहाँ भी है। अभी यहाँ फैसिलिटी दी गई है, एक पहले सारे केस लगभग निगेटिव थे और इधर पॉजिटिव आए हैं। नहीं तो राम मनोहर लोहिया से जो जांच होकर के आई है उसमें ये निगेटिव 8 निकले हुए हैं और अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई है वो केजीओवी से आ रही थी। वहाँ और भी जांचें गई हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। 8 लोगों का उन्होंने भेजा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। सीमो साहब एक बात हो जाए, इनके संपर्क में काफी लोग आए होंगे, ऐसा जानकारी है? सीमो साहब से ले सकते हैं, बता पाएंगे। सीमो साहब से हम लोग पूछे, चूंकि ये भर्ती आपके यहाँ, ये जाना चाहिए इनके संपर्क में जो